हे गाइस, मेरे हाथ में दो पॉलिथीन है और इसके अंदर विभिन्न प्रकार बैलून है और कटा हुआ डिजाइन पेपर है, तो मैं इसको अनबॉक्स कर लेता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो येलो कलर का बैलून है और कटा हुआ डिजाइन पेपर है, और ब्लैक बैलून है और ब्लू बैलून है। तो इस यहाँ पे देख सकते हो हमारा रघु भाई यहाँ पे जो बैलून तैयार कर रहे हैं, और याद इधर भी हमारा सीनियर है और मदन भाई भी लग गए हैं डेकोरेशन करने के लिए। और इस साइड में आप लोगों को दिखाएंगे, तो यह रहा हमारा सुनादर भाई, और इधर भी बैलून बुकने के लिए हो रेडी हो गए हैं। और दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो इस प्रकार की जो पुलाना है बैलून को, और एक बार तो यहाँ अभी गट्टी लगाना है, ठीक है। तो इसको इस प्रकार की करके जो गट्टी लगा देना है, तो बन गया हमारा बैलून। तो दोस्तों, सारे बैलून कंप्लीट हो गए हैं बनाना। तो यहाँ आप देख सकते हैं ब्लैक कलर की और येलो कलर की है। हमारा रामचंद्र भाई भी थोड़ा सा हेल्प कर रहे हैं और भक्त भाई भी। तो बैलून को इसी प्रकार की जोड़ देना है। तो इसे होने के बाद हम एक रस्सी माध्यम से इसको बांध देना है और लंबा करके डेकोरेशन करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो दो बैलून को इस प्रकार की बांध देना है, दोस्तों ऐसे ही रस्सी में बांध देना है। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं बैलून लेके आ रहे हैं। तो ये बैलून को ऐसे रख के इसे जो रस्सी को जो फोल्ड करना है, और दोस्तों इसे कर करके पूरे लंबा करना है, ताकि इसको जो बेंड करके यहाँ लगा देना है गेट तरफ से। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ हमारा रघु भाई भी जो यहाँ पे बैलून कैसे बनाना है दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ से जो बैलून को फूकना है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो गट्टी लगा देना है, ताकि ये हवा बाहर नहीं निकाले और ज़्यादा दिन रह जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो गट्टी बन गया है। तो अभी हमारा बैलून कम्प्लीट हो गए हैं। तो दोस्तों, हमारा जो है डेकोरेशन इतना दूर गया है, तो और भी लंबा बनाना है, ताकि इसको जो पोल मतलब बेंड करने के बाद सही आकार आ जाएगा। तो दोस्तों, देख सकते हो यहाँ पे पूरा डेकोरेशन हो गया है, और इसको थोड़ा सा बेंड भी किया गया है और सही जगह पे आ गया है। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अभी ठीक हो गया है। तो दोस्तों, आज ये वेलकम डे है, और यहाँ आप देख सकते हो गेट बहुत अच्छा तरह से बनाया गया है बैलून से। और दोस्तों, यहाँ पे प्लास्टिक का फ्लावर प्लांट है, और दोस्तों यहाँ पे जो जुट्टी अच्छा तरह से बनाया गया, बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहा है। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, एक तरह से आप लोग को सिनेमेटिक तरफ से भी दिखाएंगे। तो दोस्तों, ये प्रोसेसिंग बहुत अच्छा लगा मेरे को। तो यहाँ पे देख सकते हो और बहुत सारे जुट्टी बनाना है। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं पूरे बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, आप लोगों को और पास ले चलता हूँ। दोस्तों, और एक गेट है जहाँ पे और इसके सामने ही जुट्टी लगा गया है और लगा रहे हैं हमारा सीनियर दीदी है। तो दोस्तों, जो यहाँ पे डिजाइन किया गया है वो बहुत खूबसूरत हो गया है, देख सकते हो। तो इस साल में बहुत अच्छा हो गया है, यहाँ पे जो चेयर भी लगा गया है। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं वेलकम टू डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। दोस्तों, यहाँ पे प्रोजेक्ट तरफ से दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पे कोनार्क और यहाँ पे ग्लास हाउस, और दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे। दोस्तों, अभी हम बुला रहे हैं जो पास्ट ईयर का बंदे को। तो दोस्तों, यहाँ पे सारे आ जाएंगे। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा टाइम लूप में कन्वर्ट कर लिया। दोस्तों, अभी तक हमारा चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करके रखे, ताकि मैं और एक रिलेटेड मलकनगिरी रिलेटेड वीडियो लेके आऊँगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि लाइक और डिसलाइक में फ़र्क नहीं पड़ता है। दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो प्रिंसिपल सर स्पीच दिए हैं कि एक परिवार तरफ से एक ही डिपार्टमेंट में या पूरे कॉलेज में कैसे रहना है, इसे बताया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारे HOD मैम जो नमिता मैम भी जो भाषण दिए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे जो NSS तरफ से जो लोग के कैंप अटेंड किए थे, उन लोगों को यहाँ पे जो प्राइज भी दिया जा रहे हैं। और ये भी है NSS तरफ से जो DRDA ऑफिस मलकनगिरी 12 डेज का जो डिजास्टर मैनेजमेंट का ट्रेनिंग लिए थे, उन लोगों को भी यहाँ पे
बुलाया गया है। तो दोस्तों और यहाँ पे बहुत सारे जो हमारा क्लास की हैं और सीनियर लोग भी यहाँ पे स्पीच दिए हैं, और ऐसे करके हमारा जो वेलकम मीटिंग पूरा कंप्लीट हो गया था। तो दोस्तों उसके बाद हमारा आ गया था सॉन्ग की जुदा हो सके